चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। नमस्कार, समय राष्ट्रीय न्यूज और मुंबई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं मारवा का स्वच्छता अभियान। मारवा मरोल मिलिट्री रोड रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, उनके जरिए आज एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और गांधी जी के नाम पर स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। मारवा ने भी एक पहल की और उस पहल में आप देख सकते हैं मारवा के वॉलंटियर्स, मारवा के लोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम मारवा कहते हैं और कभी कभी मजाक में लोग मरवा कहते हैं, तो ये मरवा के लोग, लेकिन आप उनके जोश को देख सकते हैं, उस जोश को आप देख सकते हैं जिसमें आपको दिखाई देंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs, आपको दिखाई देंगे NGO से जुड़े हुए लोग, आपको दिखाई देंगे पत्रकार, डॉक्टर, वकील और ऐसे तमाम क्षेत्र के लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप दिखाई देंगे आपको मुंबई महानगर पालिका से जुड़े हुए लोग, हमने देखा स्वच्छता अभियान में पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए लोग, केंद्र सरकार के से जुड़े हुए लोग भी, राज्य सरकार से जुड़े हुए लोग, अन्य विभाग के, स्कूली छात्र, राजनीतिक दल की सीमाएं भी टूटी। हमारे साथ कमलेश राय थे अगर कांग्रेस के, तो शिवसेना के अशोक माटेकर जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ में उमेश राणे जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रमोद सावंत जी जो यहाँ के नगर सेवक पहले रह चुके हैं वो हमारे साथ थे। तमाम राजनीतिक दल की मर्यादाएँ भी टूटी। बापू नाम ही ऐसा है सभी को जोड़ ले। आप आज की परिकल्पना, संकल्पना जिस व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ की, ऐसे सुरेश नायर जी, सीनियर सुरेश नायर और जूनियर सुरेश नायर और उनकी पूरी मारवा की टीम आज हमारे साथ है। सुरेश भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कई सालों से मारवा अपना काम कर रहा था, बीच का एक वक्फा हम सोचते हैं कि शायद उन्होंने एक छोटा सा विश्राम लिया और उस विश्राम के बाद जब फिर दोबारा कूदे हैं तो नए जोश के साथ, नई टीम के साथ और तमाम तरह के लोग आए हुए हैं आपके साथ, तो क्या सोचते हैं इस टीम के जोश के बारे में पहले बताएं, फिर हम स्वच्छता अभियान पर बात करते हैं। मारवा जो है करीब 18 साल से जीवित है जो एसोसिएशन है, लेकिन पिछले 5-6 साल में जरा जोश कम हुआ था लोगों का। सबको लगा था कि हमारा चलो काम हो गया, रोड बड़ा हो गया, गार्डन बन गया, तो अभी हमको क्या करना है, तो सब अपने अपने घर में, रादर दे वेंटेड टू हाइबरनेशन। लेकिन उसके बाद जो वो छुट्टी जो ले लिया 5 साल का प्लान हॉलिडे जो बोलते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ, यहाँ तक कि मारवा के जो कमेटी मेंबर्स थे, जो 3-4 लोग जो एक्टिव थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग एक बार कोशिश करते हैं, नहीं तो मारवा जो ऑर्गेनाइजेशन है बंद ही कर डालते हैं। हमने एक लीगल ओपिनियन भी ले लिया कि रजिस्टर्ड बॉडी है, कैसे बंद करे, लेकिन बोला एक कोशिश करते हैं, चलो देख लेते हैं, अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो हम आगे चलाते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं। तो एक मीटिंग बुलाया जहाँ पे कम से कम 40-50 लोग आए, तो उन्होंने बोला कि बंद करना नहीं है, चालू रखते हैं। तो उसके बाद वो 40 से 50, 50 से 60, अभी 200 के ऊपर हो गए, नए नए सोसाइटीज़ जुड़ने शुरू हो गए और हमारी एक्टिविटीज़ भी लास्ट 3-4 महीने में जो है इतना जोर पकड़ा है कि अभी तो बंद करना ही नहीं है। और BMC की तरफ से, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पुलिस की तरफ से और सभी रेजिडेंट्स की तरफ से जो सपोर्ट हमको मिल रहा है, तो हमको पता है कि अभी कुछ करना है और हम करके रहेंगे। और क्या आता है, अच्छा काम आप करते हैं ना तो सपोर्ट लोगों का मिलता है, तो उस अच्छे में कितने अच्छे लोग और नहीं आए? अच्छे में समझो हम लोग पहले जैसे मैंने बोला 3-4 थे, तो उसमें समझो और 30-40 जुड़ गए और बाकी पेरिफेरल सपोर्ट जो है कम से कम और 300-400 का है, तो है बहुत बढ़िया है, बहुत जोश में है, वो तो आज दिखाई दे रहा था हमारी एक्टिविटी में। ये तो हुई मारवा की एक्टिविटी। आज के विषय में आपको, जब आपने सोचा था तो आपको लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा, इतने सारे लोग, स्कूल, कॉलेज, मुंबई महानगर पालिका के लोग, 7 हिल्स हॉस्पिटल के लोग, आसपास के अस्पताल के लोग, टीचर्स, वॉलंटियर्स, बच्चे सड़कों पर उतरेंगे और इस तरह जोश के साथ आपका एक प्रभात फेरी की तरह से भी हो गया और एक स्वच्छता अभियान भी हो गया, तो आपको लगा था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा? हमने तो अंदर ही अंदर हमने तो उम्मीद रखा था कि कम से कम 200-250 लोग तो रहेंगे, लेकिन इतने बड़े सपोर्ट मिलेगा वो तो सोचा नहीं था। लेकिन आ गया, बच्चे आ गए स्कूल के, उसके साथ में जो जुड़े वो जो कम्युनिकेशन गया, तो पेरेंट्स भी आ गए और लोकल नागरिक भी आ गए, बस सपोर्ट तो बहुत बढ़िया था। मेरे ख्याल से 400-500 के ऊपर लोग थे, शायद मोर देन 500 सब बोलते हैं, 500 से ऊपर थे। अशोक भाई, आप ये अजीब सा विभाग है, मैं अपने दर्शकों को भी बताता चलूँ कि ये अजीब सा विभाग है जहाँ पर 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, 3 नगर सेवक का विभाग आता है, 2 विधायक और 2 MP,
इस तरह का ये इस संरचना इस वार्ड की और इस इलाके की है, मिलिट्री रोड रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें लगभग 120 सोसाइटीज़ और कम से कम 9-10 स्लम्स भी इसमें शामिल हैं। ऐसी जगह पर, ऐसी जगह का एक पट्टे का आप की पत्नी प्रतिनिधित्व करती हैं, तरह तरह की समस्याएं भी आती हैं। स्वच्छता के अलावा जिन समस्याओं को से जूझना पड़ता है यहाँ के लोग, हॉकर्स, उनके लिए फुटपाथ की कमी, उनके लिए स्वच्छता के और भी जो मायने हैं, वो कितना आप कर पा रहे हैं और आगे क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मारवा एसोसिएशन को बधाई दूंगा कि आज इतना बड़ा काम उनके जरिए यहाँ पर हुआ और सच में स्वच्छता अभियान क्या होता है उन्होंने दिखा दिया। मैं उनको सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ अगर हमारे साथ खड़े होकर काम करता है तो हमको भी जोश आता है, हमको लगता है कि हमको डबल रफ्तार से भागना पड़ेगा नहीं तो ये लोग हमको पकड़ लेंगे। तो मुझे इस तरह के एनजीओ के जो कार्यक्रम होते हैं, ये एक तरह के राजनेताओं को कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिस भी हमारी होती है कि आप पर एक दबाव भी बने, क्योंकि राजनीति आप अपने कार्यक्रम जब करते हैं तो उसमें एक बंदिश भी होती है हर दल के साथ कि उनकी एक सीमा होती है, लेकिन जब एनजीओ के साथ जुड़ने के बाद आपको भी एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये जो इनके सपने हैं, इनकी जो आपसे उम्मीदें हैं, तो ये इसको किस तरह से आप लेंगे? मैं सबसे पहले तो प्रेशर नहीं मानूंगा, मैं ये उसको उत्तेजना मानता हूँ, प्रोत्साहन मानता हूँ कि नहीं इतना अच्छा एनजीओ काम कर सकते, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये मेरे लिए बूस्टिंग पावर है, तो मैं ये अच्छी बात है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और जब से मेरी पत्नी नगर शोक हुई है लगभग 1.5 साल हुआ, 1.5 साल से मैं इनके टच में हूँ और लास्ट 3-4 महीने से ज़्यादातर टच में हूँ, तो इनकी जो भी समस्या है मैं तुरंत उस पर काम करने का कोशिश करता हूँ। हमारे रोड में बहुत सारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे रोड की है, अभी सीसी रोड हमने बनाया जा रहा है, अगले महीने में उसका टेंडर प्रोसेस हो जाएगा, तो बड़ा जो यहाँ की समस्या है रोड की वो हल हो जाएगी। हमारे साथ कुछ बोलना है, हम तीन जब ये नया जो मारवा रीइन्वेंट हुआ तो हमने मरकेईस के जो एएमसी है और कुरला विभाग के भी एएमसी है उनसे मिलके हमने ये कहा कि हम लोग ये एरिया को बदल के हम दिखाएंगे आपको। उन्होंने तो मतलब मजाक में लिया होगा पक्का, लेकिन हम लोग जो जिसे जुड़े हुए काम पे आज उनका भी सपोर्ट 100% है। हम कोई भी अच्छा काम करें आप तो लोगों का समर्थन आपको मिलता है और उसका ये नमूना है। अगर सुरेश नायर जी ने 5 साल सोई हुई सुसुप्ता अवस्था में पहुंची हुई एक संस्था को दोबारा जीवित करने का प्रयास किया तो उसमें आप देख रहे हैं कितने लोग जुड़े हैं, बच्चों का जुड़ना, राजनीतिक दलों का, जैसे हमने कहा अशोक माटेकर जी शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे साथ में उमेश राणे जी हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उमेश जी आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम को बापू जी जयंती पर स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है, ये गली मोहल्ले में इस तरह के कार्यक्रम हम उसको अगर अपना प्रतिनिधित्व माने कि हम इसमें कितना योगदान दे पाए और मारवा के लोग और मारवा से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ के लोगों का उत्साह को देखकर आपको क्या लगता है? पहले तो सबसे पहले तो हमारे मित्र सुरेश जी का अभिनंदन और उनका पूरे टीम का अभिनंदन है क्योंकि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट इतना बढ़िया उन्होंने यहाँ पर चलाया और सभी पार्टीज के लोगों को उनके झंडे बाजू में रखकर, उनके पॉलिटिकल सब चिन्ह बाजू में रखकर जो उन्होंने इकट्ठा किया और उनके हाथों से ये काम करवाकर लिया है उसके लिए उनका अभिनंदन है। और इसी प्रकार से अगर सब समाज जुड़ेगा, किसी सामाजिक संगठन के पीछे खड़े होंगे, अपना पॉलिटिकल झंडा, अपना पॉलिटिकल पार्टी का नाम, अपना पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह वगैरह सब बाजू में लेकर ऐसे लोगों के समाज सेवकों के पीछे खड़े होगा तो जो कल्पना स्वच्छ भारत की है या देश को देश की प्रगति का जो सपना है वो सचमुच पूरा होगा। और ये पूरे टीम का अभिनंदन है और जब भी इनका कार्यक्रम होता है या हम जो कार्यक्रम करते हैं उसमें भी ये सहभागी होते हैं, आगे भी इनका कुछ भी कार्यक्रम होगा हम पूरी टीम के साथ इनके साथ सहभागी होकर सहकार्य करेंगे। किसी भी अच्छे काम को करने के बाद लोगों का जिस तरह से राजनीति को एक दरकिनार करते हुए समाज सेवा को अपना सब कुछ समर्पित करने का जो भाव पैदा करती है वो एनजीओस करती हैं और इस तरह के एनजीओ देश भर में काम कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि संस्था मान लीजिए अगर इस देश की, तो आपको देख सकते हैं आप तमाम तरह की ऊंच नीच भावनाएं सारी खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग भी जुड़े। बीना जी आप बड़े जोशीली कार्यकर्ता हैं मरवा की, कभी कभी तो आप इतने जोश में आती हैं कि आपको लगता है मुंबई महानगर पालिका का सारा काम आप खुद अकेले ही कर डालें, लेकिन ये जोश आपका अच्छा है, सराहनीय है। आपको क्या लगता है ये जो आज की मुहिम रही और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, एक दिन से तो होना नहीं है, तो ये इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? मुंबई महानगर पालिका से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
एक्चुअली मारवा जब भी री इन्वेंट हुआ, मिस्टर सुरेश ने जब भी री इन्वेंट किया, एक डिफरेंट था कि विमेन पावर ज़्यादा आया. हाँ, तो इसके वजह से क्या हुआ, वी हैव लॉट ऑफ विमेन एंड सपोर्ट और ज़्यादा जोश जैसा इन्होंने बताया, तो हम लोग और जुड़ गए. तो वी आर जस्ट वेटिंग नाउ कि कितना जल्दी हम लोग कितना साफ़ करें. स्पेशली वी आर लुकिंग फॉर आवर रोड गार्बेज एंड फुटपाथ, ये हमारा सबसे बड़ा समस्या है. हाँ, और ये एरिया सबसे बड़ा टारगेट है हमारा, फुटपाथ सर एंड द हॉकर्स. तरह तरह के विभाग में आप जागती हैं, तीन तीन चार चार जगह जाती हैं, तीन पट्टे पड़ते हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा सुरेश जी को और उनके आप लोगों को, लोगों को जोड़े रखना? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तीनों के वार्ड, एल वार्ड, ये सारे वार्ड को एक साथ करने में. लेकिन हमको कहीं भी जाना है तो हमको या तो एल वार्ड वालों को के वार्ड का रास्ता लेके जाना होता है या के वार्ड वालों को एल वार्ड का रास्ता लेके जाना होता है. तो हम, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ हमारे वार्ड के लिए नहीं काम करें, हम पूरे मरोल के लिए काम करें, जो हमारे लिए आने जाने में सारे चारों रास्ते हमारे लिए क्लियर हो, फुटपाथ क्लियर हो, गड्ढे सही हो, बस यही चाहते हैं. अच्छे रास्ते. वी वांट टू चेंज मरोल, वी वांट टू मेक अ मेकओवर ऑफ मरोल, क्लीन मरोल, क्लीन मरोल, ब्यूटीफुल मरोल, सुंदर मरोल बना सकते हैं. मारवा के सेक्रेटरी ने जो सपना देखा है कि ये मरोल महाराष्ट्र का, मुंबई का एक यूनिक एरिया बने, हम लोग सब सुरेश जी के साथ है और हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि इनसे कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे और हमारे मरोल को एक यूनिक बनाएंगे और एक मिसाल बनाएंगे कि दूसरे इलाके के लोग देखे कि अगर कोई शहर, अगर कोई शहर में कोई जगह हो तो मरोल जैसी हो. एक यूनिक यूनिक मरोल बनाएंगे और इसको नाम देंगे मॉडल मरोल, और उसका एक सुंदरता का एक अपना रूप होगा जिसको लोग देखकर बोलेंगे वाकई में ये एक सुंदर नगर और सुंदर शहर और सुंदर गली मोहल्ला में बना. मजीद साहब आप आ गए. इस पूरे अभियान में जो महिलाएं सहभागी हुई है, अक्टूबर हीट है, ज़बरदस्त हीट है, पुरुष तो है मगर महिलाएं जो इतने हीट में भी यहाँ पर स्टार्ट टू एंड है, तो उनका भी स्पेशली अभिनंदन. नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति के बिना तो कुछ सब कुछ अधूरा है. इस पे एक मैं कहना चाहता हूँ, फूल नहीं अंगार है, नारी तू महान है, ये फूल नहीं है अंगार भी बन सकती है और इतना बड़ा काम कर सकती है. बहुत सही माजिद है आपने. हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रही हो? Yes, I just like when everybody does this and everyone doing this is so nice and I just like it. How you feel? I feel happy when everyone comes together and does. Appeal to the citizens? Any appeal? Keep clean. City clean. No litter. We love you, Marul. Don't spit. Done. जी बीएमसी के, बीएमसी से नमस्कार. देखिए बीएमसी का कुछ भी अच्छा हुआ तो जनता ने किया, कुछ बुरा हुआ तो सरकार ने किया, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने की. तरह तरह से आपके पास भी हम जो ग्रुप में हैं हम देखते हैं स्वाति जी का नाम आते रहता है, आप कॉपरेट भी करती हैं, आज का ये कैसा आपको लगा? आज मला पहिल्यांदा हे खूप चांगलं ॲप्रिशिएट वाटतं की तुम्ही म्हणजे नागरिकांनी स्वतः येऊन हे म्हणजे इनिशिएटिव्ह घेऊन काहीतरी काम केलं. हे चाललं पाहिजे ना? हां हे चाललं पाहिजे. आम्ही रोजच काम करतो, हे आमचं कामच आहे, पण नागरिक जे येऊन कचरा टाकतात आणि त्यांनाही समजतं की बाबा आपण कचरा टाकल्यामुळे कचरा होतोय, आम्ही कचरा आणत नाही. लोक म्हणतात की बघा कचरेवाला आला, कचरेवाला आला. लोकांची तुमची काय अपेक्षा आहे? माझी फक्त एवढीच अपेक्षा आहे की तुम्ही महानगरपालिकेची, तुम्ही तुमचा कचरा आहे ना तो फक्त कचऱ्याच्या पेटीतच टाका, एवढं जरी प्रत्येकाने केलं ना बस पूर्ण मुंबई स्वच्छ. माजिद आहे स्टुडंट, काय लगा आपको आज के प्रोग्राम में? तो उतरी आप और साफ भी किया, हाथ में झाड़ू भी थामा, तो कैसा लगा? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा. पहले मैं बता देती हूँ, हम यंग ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है, ये हम ऑलरेडी स्वच्छता अभियान कर रहे हैं ऑलरेडी वर्सोवा में और जुहू में. तो हम लाइक मारवा ग्रुप हमारे लिए नया है और डेफिनेटली हमें इतना अच्छा लगा कि इस टाइम हमने नया किया पहले बार कि हम रोड में सब लाइक प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल वी आर क्लीनिंग इट. इट इज़ समथिंग ग्रेट विच वी डिड एंड वी फेल्ट डिफरेंट कम्प्लीटली, वी एंजॉयड इट डूइंग इट और हम हर बार ये करना चाहेंगे. मजीद भाई आपने देखा पिछले कार्यक्रम में भी मारवा के आप शामिल हुए थे, आज के कार्यक्रम को भी आपने नज़दीक से देखा, अन्य जगह पर भी आप जाते हैं, हम
पत्रकार लोग कहीं ना कहीं पहुंचे रहते हैं, यहाँ की क्या भूमिका, क्या देखा, क्या अच्छा लगा, क्या कुछ ऐसी बारीकी कमियां हो जिसको और भी सुधार कर सके? कमियां तो नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये इस वार्ड को तीन तीन MLA, वो तीन नगर सेवक और दो MLA, इतना बड़ा एरिया है। अब यहाँ पर पिछले वक्त भी मैं आया था तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि मारवा ग्रुप ने जो ये डिसीजन लिया कि यहाँ के रेसिडेंट्स और यहाँ के नागरिक को लेकर सफाई अभियान तो 2 अक्टूबर को माना जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी दिन है, उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि 72 सालों में जो प्रधानमंत्री आया है वो देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री बिना क्रॉप, जो वो प्रधानमंत्री को हम याद नहीं करते, ये सबसे बड़ी भूल है। तो मैं चाहूँगा कि मारवा ग्रुप ने बापू को याद किया, क्योंकि वो नोट पर है, वोट उसी से मिलते हैं, लेकिन आप याद रखें वोट और नोट तो ये हमेशा देना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मारवा ग्रुप को मैं बधाई देता हूँ कि इतना वक्त निकाल कर उन्होंने जो संदेश दिया सफाई अभियान का, स्वच्छता अभियान का, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर आज हर एक गली का बच्चा आज सफाई चाहता है, लेकिन सफाई के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि जो कचरा फेंकते हैं वो फेंकने वाले कोई बाहर के नहीं, हम ही है। सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि जो कचरा है वो हमारा है, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले हमको आगे आना पड़ेगा। जय हिंद। आपको एक टीम आप भी लीड कर रहे थे, क्या लगा आपको? इस दौरान जो टीम लीड कर रहा था तो ये ध्यान में आया कि बच्चे लोग सफाई के लिए बहुत उत्सुकता थे। जो भी बच्चे हमारे सोसाइटी के आए, जो स्कूल के आए, सबके हाथ में झाड़ू और सब सफाई में ऐसे व्यस्त हो गए कि लगता था कि पूरा मरोल आज साफ होने वाला है। और मैं बधाई देता हूँ मारवा ग्रुप को और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैनेजिंग कमेटी को, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। एक चलते चलते हम लोग बात करेंगे सुरेश जी, एक विषय निकला कि बच्चे भी इसमें शामिल हुए, स्टूडेंट्स, उनको बचपन से ही अगर तालीम दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए, स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक किया जाए, तो वो उसी तरह से उनकी परवरिश भी होती है और वो उसमें हिस्सा लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के प्रोग्राम अपने लोगों को लगातार चलाते रहना चाहिए, और अगर ये है तो आप इसको किस तरह से अमल में लाएंगे आने वाले दिनों में? एक्चुअली जून में हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम ले चुका है ये इसी टाइप का, स्वच्छता का, उसमें जो सक्सेस मिला था, मतलब इतना बड़ा सक्सेस नहीं था बट इट वॉज अ सक्सेस, उसमें हमको प्रेरणा मिला कि हम लोग हर 3 महीने ये करते रहेंगे जब तक हमारा रास्ता इतना साफ सुथरा ना हो जाए, हर जिम्मेदार ना हो जाए कि रास्ते पे अगर कुछ दिखा पड़ा हुआ तो हर कोई चलता हुआ मुसाफिर वो उठा के कचरे के डब्बे में डाले। आज के तारीख में क्या है, कुछ पड़ा है, किसी ने फेंका है तो मैं क्यों उठाऊँ, वो एक एटीट्यूड है, लेकिन वो बदलना चाहते हैं हम लोग। ये बदलाव हो इसकी हम लोग भी उम्मीद करते हैं। कुछ चलते चलते आप भी कुछ कहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि ये जो स्वच्छता अभियान हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हर 3-4 महीने में इसे करते रहें, क्योंकि एक बार करने से साफ नहीं होने वाला है हमारा इलाका, तो बार बार करेंगे तो लोगों के ध्यान में आएगा और लोग जागरूक होंगे कि नहीं, हमें हमारा परिसर स्वच्छ रखना है, तो ये हमें आगे भी चल के ऐसे ही कार्यक्रम करने हैं। इसमें और एक कार्यक्रम हम जोड़ना चाहेंगे इसके साथ साथ, जो हॉकर्स का है, जो फुटपाथ की बात करते थे, यहाँ पर पार्किंग का बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो फुटपाथ पे पार्किंग होती है, लोगों को चलने के लिए कोई जगह नहीं रहती अलग है, से अभियान चला उसके लिए भी अलग से अभियान करना हम चाहते हैं, ताकि वो भी हम करें और हॉकर्स को भी हम सही जगह पर रख सकें उनको भी। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कोई एक व्यक्ति करता है, किसी भी संगठना के निर्माण में सबसे पहले किसी एक व्यक्ति की सोच होती है, उस सोच के साथ एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस कारवां के बनने में और इस कारवां के काम करने में और इस कारवां को आगे बढ़ाने में सभी का सहयोग मिलता रहेगा। समय राष्ट्रीय न्यूज़ और मुंबई न्यूज़ की तरफ से आप सभी को भी स्वच्छता दिवस की पहले तो बधाई। स्वच्छ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मारवा की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में। और हमारे दर्शकों को एक अपील पूरे मारवा की तरफ से कि स्वच्छ मरोल ही हमारा नारा नहीं है, स्वच्छ मरोल के बाद स्वच्छ अंधेरी, स्वच्छ मुंबई, स्वच्छ महाराष्ट्र और स्वच्छ भारत तक हमारा संदेश जाए, यही हमारी आप लोगों से उम्मीद है। इस तरह के कई कार्यक्रम हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।